नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिट। ताजनगरी आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज से एमडी कर रही महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई। एसएन मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रही डॉक्टर योगिता गौतम की सिर को चलकर हत्या कर दी गई। थाना ढोकी के बमरौली कटारा में बुधवार सुबह एक महिला का शव मिला था, जिसके सिर और पेट पर भारी वजनदार लकड़ी रखी हुई थी, जिसको लेकर थाना पुलिस दिन भर शिनाख्त की कोशिश करती रही। तो वहीं इधर डॉक्टर योगिता गौतम भी गायब थी, जो कि एसएन मेडिकल कॉलेज के पास ही राजा मंडी में राहुल गोयल के मकान में किराए पर रहती थी। इसके आधार पर मृतक डॉक्टर की शिनाख्त देर शाम तक हो पाई। योगिता शिवपुरी भाग 2 नजफगढ़ दिल्ली की रहने वाली बताई जा रही है, जिसकी सूचना पुलिस ने परिजनों को दे दी है। पुलिस के सामने यह बड़ा सवाल है कि एसएन मेडिकल और राजा मंडी में बमुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी है, आखिर डॉक्टर योगिता फतेहाबाद रोड पर ढोकी थाना क्षेत्र तक कैसे पहुंची। तो वहीं योगिता के परिजनों के द्वारा बताया गया है कि योगिता के साथ पड़े हुए डॉक्टर विवेक तिवारी, जो कि इस समय जालौन में मेडिकल ऑफिसर हैं, उसका ही इस हत्याकांड में हाथ हो सकता है। तो वहीं एसएसपी बबलू कुमार ने बताया है कि योगिता के परिजनों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि डॉक्टर विवेक फोन पर भी धमकियां दिया करता था, लिहाजा इस हत्याकांड में विवेक का ही पूरा पूरा हाथ है। समाचार डिजाइट के लिए आगरा से मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज सुबह थाना एमएम गेट में डॉक्टर योगिता गौतम, जो एसएन मेडिकल कॉलेज में एमडी कर रही हैं, उनके भाई और पेरेंट्स ने आकर यह सूचना दी है कि वो कल शाम से अपने घर पर नहीं है और उनका फ़ोन ऑफ है, जिसके संबंध में दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके परिजनों द्वारा ये बताया गया कि उनके साथ पढ़े हुए लड़के डॉक्टर विवेक तिवारी, जो आजकल जालौन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके द्वारा बार बार फोन करना, परेशान करना और धमकी भी दी जाती रही है। इसके अतिरिक्त आज सुबह थाना डॉकी क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी तत्काल पुलिस टीम ने शिनाख्त कराते हुए पहचान कराया और वो डेड बॉडी डॉक्टर योगिता गौतम की थी। हमारी दोनों टीमों ने मिलकर जालौन पुलिस से टाई अप करते हुए आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के आधार पर घटना किस प्रकार से की गई है, घटना में शामिल गाड़ी, अन्य जो पदार्थ, अन्य मटेरियल जिसका उपयोग किया होगा, जो इंजरी उसने पहुंचाई है, उन सभी चीज़ों को बरामद करते हुए घटना का अनावरण